सूर्य अंधकार मिटाता है और जीवन शक्ति देता है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य हिम नष्ट करता है, बर्फ को पिघलाता है और हमको वर्षा देता है। वर्षा से ही धरती अन्न धन से समृद्ध होती है। जल प्रकृति की अनमोल भेंट है। तरल जल से ही जीवन संभव है। यदि हमें जीवन की रक्षा करनी है तो जल की रक्षा अपने प्राण की तरह करनी होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल के साथ मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। आबादी बढ़ी है और पानी का इस्तेमाल भी, उद्योग बढ़े हैं, नतीजा जल प्रदूषण। मल, रसायन, धातु, तेल जैसे पदार्थ हमारे तालाबों, नदियों और समुद्र को गंदा कर रहे हैं। आज भारत का करीब 70% पानी प्रदूषित हो चुका है। भारत के बढ़ते शहरों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए हैंडपंप और ट्यूबवेल्स का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में स्वच्छ पानी का जमीनी जल स्तर चिंताजनक तेजी से घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र की चौंका देने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2025 तक साफ पीने के पानी की मात्रा आधी रह जाएगी। फिर क्या आश्चर्य कि कुदरत की देन को आदमी ने व्यवसाय बना दिया। छोटे स्तर पर हाथ गाड़ी वाले व्यस्त हैं ढाबों और दुकानों को पानी पहुंचाने में। यहाँ प्रति मटके के भाव से पानी बिकता है और तो और पानी प्रति लीटर भी बिकता है। स्वच्छ पानी का मापदंड है कि वो कीटाणु रहित हो, उसमें सही मात्रा में मिनरल और ऑक्सीजन हो, तभी वो स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता है। लेकिन स्वादिष्ट और पौष्टिक पानी हमको निसर्ग मुफ्त में प्रदान करता है। दिल्ली शहर का अधिकांश पीने का पानी यमुना नदी से प्राप्त होता है। यमुना अपने प्रवाह में खेतों के कीटनाशक, कारखानों के रसायन, शहरों कस्बों के मलमूत्र को ढोती हुई राजधानी दिल्ली पहुंचती है और उसे पार करते करते एक गंदा नाला बन जाती है। ऐसे पानी को साफ करने में महानगरों की नगर पालिकाओं का काम बढ़ जाता है। पानी पर जल्दी फैलने वाले जंगली पौधे वाटर हाइसिंथ जलकुंभी को निकालकर पानी को तकनीकी तरीके से साफ और निरोगी बनाकर दिल्ली शहर को 270 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन पहुंचाया जाता है। इस्तेमाल किए हुए 218 करोड़ लीटर पानी को साफ करके नदी में फिर बहा दिया जाता है। रही बात शेष गंदे पानी की, जब तक साधन नहीं बढ़ाए जाते उसे यूं ही नदी में बहा दिया जाता है। ऐसे पानी के साथ यमुना कृष्ण की मथुरा नगरी पहुंचती है और उसके बाद आगरे के ताजमहल को पार करती है। महान नदी गंगा प्रदूषण से बोझल महानगर कलकत्ता पहुंचती है। यहां के पानी को साफ करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन इस पानी में कभी कभी तैरते कण यानी सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलते हैं, जिसके कारण कई लोग कुओं का पानी पीना पसंद करते हैं। जमीनी पानी की अधिक खिंचाई के कारण कुछ इलाकों में निचले पत्थरों से एक विषैला रसायन आर्सेनिक खिंचाता है। आर्सेनिक से खाल के कैंसर के अलावा अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पानी में घुले आर्सेनिक को पहचानना और उसकी मात्रा कम करने की तकनीक कलकत्ता के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के पास है। इस्तेमाल किए हुए गंदे पानी को नैसर्गिक तरीके से साफ करके कलकत्ता ने एक मिसाल कायम की है। हरे वृक्षों और पानी के खास पौधों से गंदगी कम करके उस पानी में मछलियां पाली जाती हैं और इसी पानी के प्रवाह से सब्जियों की खेती की जाती है। काफी हद तक साफ हुआ पानी फिर से नदी में बहा दिया जाता है। दक्षिण महानगर चेन्नई चैन की सांस कब लेगा? चेन्नई की मुख्य समस्या है साफ पीने के पानी की कमी। चेन्नई में सिर्फ 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो पा रहा है। पूंडी, शोलावरम,
और रेड हिल्स रिजर्वायर से शहर को प्रतिदिन 25 करोड़ लीटर पानी प्राप्त होता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए चेन्नई मेट्रो बोर्ड ने पंपों द्वारा जमीन से पानी खींचकर आम आदमी को उपलब्ध कराया है। इसके अलावा पानी की आपूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश के साथ कृष्णा नदी समझौते से कई उम्मीदें जुड़ी हैं। पानी के आगमन की प्रतीक्षा में नहरें बनाकर साफ रखी जा रही हैं। चेन्नई मेट्रो बोर्ड वर्ल्ड बैंक की सहायता से पानी साफ करने की अपनी क्षमता बढ़ा चुका है। जब कृष्णा नदी जल परियोजना से और पानी मिलेगा तभी चेन्नई चैन की सांस ले सकेगा। मुंबई इस छोटे से मच्छरों की बस्ती को दूर पास के लोगों ने अपनाकर एक महानगर बना दिया। एक जमाने में कुओं और तालाबों पर निर्भर मुंबई आज दूर दराज इलाकों से पानी लाकर अपनी बढ़ती प्यास बुझाती है। इस तकनीकी कमाल के बगैर इतने बड़े शहर का बसना नामुमकिन था। बिहार तुलसी तानसा वैतरणा के साथ साथ भाटसा जल परियोजनाएं मुंबई को 280 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की पूर्ति करते हैं। जल की हिफाजत के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। कोई भी उद्योग जल के स्रोत के पास नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। इस नीति से पानी की सुरक्षा के अलावा वनों और वन्य जीवन को भी लाभ हुआ है। पाइपलाइन के जरिए मीलों लंबा सफर तय करके पानी पंजरापोर और भांडुप के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है। बनने के समय भांडुप का ये प्लांट एशिया का सबसे बड़ा रहा है और मुंबई की जल परियोजना दुनिया की 8 सबसे बड़ी जल परियोजनाओं में एक है। यहाँ पर सही मात्रा में एलम डोजिंग यानी फिटकरी का प्रयोग करके पानी से मैल निकालने के लिए प्री ट्रीटर यूनिट्स में पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया से निकलने में पानी को 2.5 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद पानी अगली प्रक्रिया के लिए फिल्टर बेड्स की ओर बढ़ता है। ये 72 विशाल फिल्टर बेड्स देश की अनेक नदियों की खास रेती के मिश्रण से बनाए गए हैं। यहाँ पानी को छानकर उसे क्लोरीन गैस से कीटाणु रहित किया जाता है। हर 17 से 22 घंटों में फिल्टर की रेती को हवा और साफ पानी के मंथन से धोया जाता है। धुलाई का पानी बिहार लेक में बहा दिया जाता है। ऐसा करने से पानी का नुकसान नहीं होता। आते जाते पानी की हर स्तर पर रात दिन जांच होती है। इतनी सावधानी बरतने के बावजूद हर साल बीमारियों की खबरें अखबार की सुर्खियों में आती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा पाया गया है कि बिल्डिंगों के बीच की गलियां, जो दरअसल सर्विस लाइन के लिए निर्धारित हैं, गंदगी और मल से भरी रहती हैं। इसके कारण पाइपों के जोड़ों से गंदा पानी न केवल घरों में पहुंचता है बल्कि लौटकर बड़े पाइप के पानी को भी गंदा कर देता है। आखिर इस गंदगी की जिम्मेदारी किस पर ठहराई जाए? एक प्रश्न ये उठता है कि साधन बढ़ाना आसान है या आबादी घटाना? प्रकृति विशाल है, मनुष्य के लगाए घाव भरने को प्रकृति के लिए 1,000-2,000 साल कोई लंबा समय नहीं। प्रकृति से खेलकर, वृक्षों को काटकर मनुष्य अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जब हमारी प्राणदायिनी नदियों की वृक्षों से ढकी लाज का चीरहरण होता है तब वो अपने रौद्र रूप का तांडव दिखाती है और त्राही त्राही मच जाती है। मनुष्य मनुष्य की लापरवाही को बेशक माफ कर दे, लेकिन प्रकृति कभी माफ नहीं करती, कभी नहीं।